रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين। وقال تعالى في مقام آخر وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون। صدق الله مولانا العظيم। اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم। اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البراري والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم। اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه। معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ حاضرین کرام، گزشتہ جمعہ دنیا کی حقیقت کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ جب تک کسی چیز کی حقیقت کا علم نہیں ہوتا، نہ اس کا شوق پیدا ہوتا ہے، نہ اس کا خوف۔ کسی چیز کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے، اگر وہ اچھی ہے تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس کا طالب بن جاتا ہے، اس کا چاہنے والا بن جاتا ہے۔ اگر وہ بری چیز ہے تو انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اس سے بچتا ہے۔ کسی چیز کی حقیقت کا پتہ چلنے کے بعد اگر وہ اچھی چیز ہے پھر بھی انسان اس کو پسند نہیں کرتا، یا تو وہ شیطان ہوگا یا تو حیوان ہوگا۔ کسی چیز کی حقیقت کا پتہ چلنے کے بعد اگر وہ چیز بری ہے
उससे इंसान अगर बचता नहीं फिर भी वो इंसान या तो शैतान होगा या तो हैवान होगा। अरे बात समझ गए, मिसाल देता हूँ समझिए आप। ज़बरदस्त बिरयानी है, लजीज है और आदमी को भूख भी है, खाने का तकाजा भी है, ज़ाहिरी और बातिनी एतबार से किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं। शरीयत भी इजाज़त दे रही है तो यकीनन इंसान उसे खाना चाहेगा, खाना चाहिए। क्योंकि उसने बिरयानी के मुतालिक समझा कि ये अच्छी चीज़ है, खाने के लायक है, ज़ाहिरी और बातिनी एतबार से इसके अंदर किसी किस्म का कोई ऐब नहीं है, शरी एतबार से भी इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, तो फिर इसको खाना चाहिए। एक इंसान की फितरत है ये। गिलाजत है उसके मुकाबले में। मुकाबले में गिलाजत है। मैं गिलाजत का नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि मजलिस में कराहत पैदा हो जाएगी कि गिलाजत है, लेकिन बज़ाहिर वो ज़रा ख़ूबसूरत नज़र आता है, हकीक़त से वाकिफ नहीं थे, बाद में पता चल गया कि ये गिलाजत है। ज़ाहिरी और बातिनी एतबार से भी वो चीज़ खाने के लायक नहीं है और शरी एतबार से भी वो चीज़ खाने के लायक नहीं है, फिर भी उस चीज़ को कोई पसंद करता है तो यकीनन या तो वो हैवान होगा या तो शैतान होगा। हकीकत को पहचानना, हकीकत जानना ये बहुत ज़रूरी है और इसका इल्म भी बहुत ज़रूरी है। दुनिया की हकीकत क्या है इसे एक इंसान जाने और पहचाने। जब तक दुनिया की हकीकत को जानता नहीं उससे बचना या उसको पाना इसका इल्म ही नहीं होगा। दुनिया की हकीकत के मुतालिक कुरान पाक में मुख्तलिफ आयात हैं, अहादीस बेशुमार हैं, औलियाउल्लाह के अक्वाल बेहद हिसाब हैं। अल्लाहु अकबर, यकीन है तो दुनिया से ऐसे बचेंगे हम लोग जैसे किसी सांप और शेर और बिच्छू से बचता है इंसान। गुज़िश्ता जुमा मैंने आपके सामने दुनिया के मुतालिक तीन बातें रखने का इरादा किया था। बेशुमार बातें हैं, सवों और सैकड़ों और हज़ारों के तदाद से हैं बातें, लेकिन लंबा वक्त हो जाएगा इसलिए मैंने गुज़िश्ता जुमा तीन बातें आपके सामने रखने का इरादा किया। एक रखा, एक अधूरी हुई, एक बाकी। एक बात मैंने ये रखा हदीस की कि मच्छर के पर के बराबर भी दुनिया की कीमत और अहमियत अल्लाह के नज़दीक नहीं है।
सा या एक सवाल पैदा होता है कि जब इसकी कीमत और अहमियत ही नहीं है तो फिर इसे क्यों बनाया। इसके जवाब में कई मिसालें हैं, एक मिसाल देकर मैं आगे गुजर जाता हूँ। जिसकी कोई कीमत और अहमियत नहीं होती उसे ना बनाना ज़रूरी नहीं है। एक लॉ है, एक कायदा है, एक कानून है, एक मंतिक है, एक फ़लसफ़ा है जो आपके सामने बड़े सादे सीधे अंदाज से रखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझें। किसी चीज़ की अगर कोई अहमियत नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि उसे न बनाए। मिसाल के तौर पर बैतुल खला, बैतुल खला बोले तो जानते, अरे जानते, फिर बड़ी गौर व फिक्र से देख रहे ना अकरम। बाथरूम, वॉशरूम, जहां हम अपनी गिलाजत छोड़ आते हैं, हमारी अपनी जरूरत है वो, बावजूद इसके कि हमारे नजदीक उसकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत नहीं है हमारे नजदीक उसकी, गर्चे के हजारों लाखों रुपए उस पर खर्च करते हैं लेकिन फिर भी अहमियत नहीं हमारे नजदीक। सवारते और सजाते हैं फिर भी हमारे नजदीक उसकी अहमियत नहीं होती। एक जरूरत थी उसे बनाया गया। फिर सवाल पैदा होता है प्यारों कि खुदा को क्या जरूरत पेश आई कि अल्लाह ने दुनिया को बनाया। सवाल पे सवाल, समझ में आ रही है बात। अहमियत नहीं थी तो बनाया क्यों, एक सवाल। दूसरा सवाल, खुदा को क्या जरूरत पेश आई कि अल्लाह ने इसको बनाया। इसका भी जवाब सुनिए, आधा जवाब अब देता हूं, आधा जवाब 15-20 मिनट के बाद देता हूं। आधा जवाब ये है कि आदमी को कभी अपनी ही जरूरत का ख्याल नहीं होता, सामने वाले की जरूरत का भी ख्याल होता है। अल्लाह ने इस बे अहमियत बे कदर कीमत दुनिया को अपनी जरूरत के लिए बनाया नहीं, अपने बंदों की जरूरत के लिए बनाया है। और ये बात हमारे माशरे में चलती है, कभी कभार हम अपनी जरूरत के लिए कोई चीज बनाते हैं, कभी कभार हम सामने वाले की जरूरत के लिए कोई चीज बनाते हैं। सामने वाला अगर कोई बहुत बड़ा आदमी होता है, वो आदमी से हमारे फायदे लगे हुए होते हैं, या हमारे घर का एक बहुत बड़ा हिस्सेदार होता है, हमारे घर का एक बहुत बड़ा आम आदमी होता है, सामने वाले की जरूरत के लिए भी किसी चीज को बनाते हैं, वो आपकी जरूरत होगी, बनाने वाला मैं रहूंगा, आपकी जरूरत होगी। जैसे कि मेहमान खाना हमारे लिए जरूरत नहीं है, हम तो घर के ओनर हैं, हमारे लिए मेहमान खाने की क्या जरूरत है, लेकिन मेहमान खाना बनाते हैं सामने वाले की जरूरत के लिए। वैसे अल्लाह ताला ये दुनिया जो बनाए हैं अपनी जरूरत के लिए नहीं बनाए हैं, बंदों की जरूरत के लिए बनाए। ये आधा जवाब है, आई बात समझ में? अरे आई नहीं है। मच्छर के पर के बराबर भी इसकी कीमत और अहमियत नहीं है। जिस पर हम अपनी जान कुर्बान करते हैं उस दुनिया की यह हकीकत है प्यारों, जिस पर हम अपने आमाल कुर्बान करते हैं उस दुनिया की कदर और कीमत है प्यारों।
कभी कभी तो हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं इस दुनिया की तलब में ईमान कुर्बान करते हैं, उस दुनिया की हकीकत है जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। मच्छर के पर के बराबर भी कीमत नहीं है इसकी। उसी हदीस में प्यारे आका सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मच्छर के पर के बराबर भी अगर इसकी कोई कीमत होती तो एक मुनकिर को भी एक घूंट पानी न देते। एक काफिर को एक घूंट पानी न देते। गुज़िश्ता जुमा पहली रिवायत के कुछ बातें बाकी थी जो आपके सामने इस वक्त मैंने रखा। दूसरी रिवायत इस दुनिया की हकीकत के बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। एक जगह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, एक मरी हुई और सड़ी हुई बकरी रास्ते में पड़ी है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाही ताला अलैहिम अजमईन के साथ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे। मरी हुई बकरी और सड़ी हुई, यहाँ तक के उसकी बदबू से सहाबा ने अपने मुंह और नाक में हाथ तक रख लिए, क्योंकि कोई चीज़ मर जाती है, कुछ देर गुजरते हैं उस पर तो फिर उसके अंदर सड़ान पैदा हो जाती है। मैंने किताब में पढ़ा इन जानवर मरता है उस पर एक दिन या 24 घंटे गुजरते हैं, जितनी बदबू उससे पैदा होती है उससे ज़्यादा अगर इंसान मर जाता है उस पर वक्त गुजरता है उससे ज़्यादा बदबू पैदा हो जाती है। दफन करने के फवाइद में से एक फ़ायदा है, अगर ऐसे ही छोड़ दे फिर मैं इससे ऐसी बदबू आएगी कि रोने वाली बीवी बाजू बैठ कर रोना छोड़ कर भाग जाएगी, रोने वाले बच्चे उठकर भाग जाएंगे। इसीलिए प्यारे आका ने फरमाया, जब तुम में से कोई मर जाए तो उसके तजहीज और तकफीन का जल्द से जल्द इंतजाम करो, हो सकता कि देर करने की वजह से मैयत से बदबू पैदा हो जाए तो फिर तुमको नफरत पैदा होगी, तुम्हारी नफरतों की वजह से जनाजे उठे या अच्छा नहीं लगता। हाँ, कुछ अल्लाह वाले ऐसे भी गुजरे हैं जिनके मरने के बाद मज़ीद उनके जिस्मों से खुशबू निकली। उनके जिस्मों से क्या खुशबू निकली, रब्बे काबा की कसम उनके खबरों से खुशबू निकली। हज़रत इमाम बुखारी रईसुल मुहद्दिसीन मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम, इमाम बुखारी का नाम मोहम्मद है, उनके अब्बा का नाम इस्माइल है, उनके अब्बा का नाम इब्राहिम है। अल्लाह के रसूल के हदीसों को जमा करने वाले हदीस की जितनी किताबें हैं उनकी तमाम किताबों में सबसे बड़ा मकाम इमाम बुखारी की हदीस की किताब का है। पैदा हुए अंधे हो गए, माँ की दुआ से अल्लाह ने फिर भी इनायत की। अल्लाह मेरा बच्चा नाबीना हो गया, अब पैदा होते वक्त अच्छे थे लेकिन क्या पता नहीं तबीयत में क्या हुआ कि आंखों से मायूस हो गए, नजर नहीं आया, लेकिन माँ इतना रो रो कर दुआ की, इतना नो रो कर दुआ की, माँ का रोना बच्चे के लिए दवा बन गया। रो रो कर दुआ
करती है, अल्लाह मेरे बच्चे की बिनाई अता कर, वापस कर दे, देने वाला भी तू लेने वाला भी तू। इतना रोती है, इतना रोती है, इतना रोती है। एक मर्तबा रात में ख्वाब में सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जियारत इमाम बुखारी की वालदा को होती है। इमाम बुखारी की वालदा इमाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त करती है, ऐ अल्लाह के कलील मेरा बच्चा अंधा हो गया है, आप दुआ फरमा दे। ख्वाब ही में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम माँ को बशारत देती है कि ऐ अल्लाह की बंदी उठ जा और तेरे बच्चे को उठा, देख बिनाई वापस आकर है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों के हक में माँ बाप खूब दुआएं करें, खूब दुआएं करें, दिन में 5 मिनट तो सही दुआ करें। जिन बच्चों के मुकद्दर को माँ बाप की दुआ लग जाती है वो बच्चे किसी हादसे में मुब्तला नहीं होते। इमाम बुखारी खुशबू पर बात आ गई, हदीस का शौक था, हदीस का शौक, 10-12 साल की उम्र में लाखों हदीसों के हाफिज हो गए और लाखों हदीसों में नबी की सही हदीसों को चुन चुन कर अलग करने लगे। एक मर्तबा एक बुजुर्ग ने ख्वाब देखा, हरम पाक में काबे के सामने प्यारे आका एक किताब अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। ख्वाब देखने वाले ने पूछा, या रसूल अल्लाह आपके हाथ में ये कौन सी किताब है? आका ने फरमाया, मेरे बेटे इस मोहम्मद बिन इस्माइल की किताब है जो मेरे हदीसों से भरी हुई है। और भी सीरत है प्यारों, और भी सीरत के गोशे हैं। हजरत इमाम बुखारी का जब इंतकाल हुआ, खबर में दफनाए जनाजे की नमाज के बाद कई महीने तक खबर से खुशबू आने लगी, लोग वो खुशबू वाली मिट्टी उठाने लगे, उठाने लगे, यहाँ तक कि ख़तरा हो गया कि कहीं खबर खाली ना हो जाए। मरते हैं तो सड़ते हैं, सड़ते हैं तो बदबू आती है। किसी भी चीज अगर खत्म हो जाती है हकीकत से तो उसके अंदर बदबू आ जाती है। आती है कि नहीं आती है? खाना पुराना हो गया, बदबू आ गई, सालन पुराना हो गया, बदबू आ गई। अपनी हकीकत से हट जाते हैं तो उसके अंदर बदबू आ जाती है। जानवर मर जाते हैं तो बदबू आती है। सूफिया ने कहा, इन जानवर मरते हैं तो जितनी बदबू आती है उससे ज़्यादा बदबू इंसान मरता है तो आता है। देर से उसकी तदफीन न करो तो वरना अंदर से बदबू पैदा हो जाती है। कभी कभार ऐसे हादसे हमारे माहौल में भी आए हैं। एक मरी हुई बकरी रास्ते में पड़ी है, मरी हुई बकरी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा के बीच दुनिया बताने का मौका मिल गया। आका ने उसी जगह पर रुककर फरमाया सहाबा किराम से, तुम में से कौन है जो इस बकरी को कीमत के साथ ले? सहाबा ने बड़े अदब के साथ अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मरी है, सड़ी है, बदबूदार है, इसे कीमत से कौन लेगा? हदिया भी देगा तो कोई नहीं लेगा। सहाबा को जवाब को सुनकर नबी ने फरमाया, ए सहाबा, जैसे तुम्हारे नज़दीक इस मरी और सड़ी हुई बकरी की हैसियत है, इससे ज्यादा कमतर अल्लाह के नज़दीक इस दुनिया की हैसियत है। कीमत में जैसे तुम लेने तैयार नहीं, बेकीमत जैसे तुम लेने तैयार नहीं, इससे भी गई गुजरी हैसियत है। इस दुनिया की अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक
इसलिए दुनिया से दिल न लगाना, दुनिया से मोहब्बत न करना, दुनिया में रहकर अपनी आखिरत बनाना। दुनिया 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 दुनिया, दुनिया के आराम, दुनिया के आसाइश, दुनिया की राहत, दुनिया के सुकून, दुनिया की इज्जत के पीछे पड़कर अपने ईमान को बर्बाद न करना, अपने आमाल को बर्बाद न करना, अल्लाह की दी हुई नेमतों को बर्बाद न करना। दुनिया बाकी रह जाएगी, तुम दुनिया से चले जाओगे। ये दुनिया किसी के साथ आज तक वफा नहीं की है और आइंदा आने वालों के साथ भी वफा नहीं करेगी। फला तगुर्रन्नकुमुल हयात दुनिया, तुमको दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत और दुनिया की जिंदगी धोखे में ना डाले। तुम दुनिया में रहो लेकिन दुनिया को जरूरत समझो। इसकी कोई कीमत अल्लाह के नजदीक नहीं है, इसकी कोई हैसियत अल्लाह के नजदीक नहीं है, इसका कोई मकाम अल्लाह के नजदीक नहीं है। दुनिया को समझो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम अपनी उम्मत को दिया। और दुनिया की और एक हैसियत बताता हूं, तीसरी हैसियत, आधा जवाब दिया था ना, जब हैसियत नहीं दुनिया की, अल्लाह क्यों बनाए? अपने लिए नहीं बनाए अल्लाह ताला, अल्लाह अपने लिए कोई चीज बनाई नहीं, फिर किसके लिए बनाए? दूसरी मखलूकात के लिए भी नहीं बनाए, ना अपने लिए बनाए ना दूसरी मखलूकात के लिए बनाए। ये पूरी कायनात बनाए तो इंसानों के लिए बनाए। खुद अल्लाह फरमाते हैं, खलकतुल अशिया कुल्लहा लक, ऐ बंदे मैंने इस पूरी कायनात को तेरे लिए बनाया। ये जमीन तेरे लिए, ये आसमान तेरे लिए, ये चांद तेरे लिए, ये सूरज तेरे लिए, ये मलाइका तेरे लिए, ये जन्नत तेरे लिए, ये हूरो गुलमान तेरे लिए, ये कपड़े तेरे लिए, ये सवारियां तेरे लिए, ये जानवर तेरे लिए, सब तेरे लिए, सब तेरे लिए, हवा तेरे लिए, पानी तेरे लिए, ये सब्जे तेरे लिए, ये फूल ये फल सब तेरे लिए। खलकतुल अशिया कुल्लहा लक, अल्लाह अकबर। आज कोई एक छोटा सा कमरा पीओपी के डेकोरेशन के साथ कोई बाप अपने बच्चे को बंद कर देता है, बच्चा कितना खुश हो जाता है, लेकिन अल्लाह ने अपने बंदे के लिए पूरी कायनात बनाई है। जिस कायनात को हम अब तक नहीं समझे हैं, इस कायनात को हम अब तक नहीं समझे हैं, पूरी कायनात अल्लाह तबारक व ताला बंदों के लिए बनाए हैं। ये जमीन, ये जमीन के खजाने, ये आसमान, ये आसमान के खजाने, ये मलाइका, ये फल, ये फूल, ये खाने पीने की चीजें, ये जानवर, सब कुछ अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे मैंने तेरे लिए बनाए हैं, इसलिए कि मेरी मखलूकात में सबसे ज्यादा चहीता तो मेरा है, मेरी पूरी कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत के साथ मैंने तुझे पैदा किया, ऐलान के साथ मैंने तुझे पैदा किया, इश्तिहार के साथ मैंने तुझे पैदा किया, तेरे बनाने से पहले, तेरे पैदा करने से पहले मेरे बंदे तेरी खिलाफत का भी ऐलान कर दिया, तेरे अंदर मैंने रूह दाखिल नहीं किया, तू एक मिट्टी के पुतले की शक्ल में था, मैंने फरिश्तों को तेरे सामने झुका दिया। ये पूरी कायनात तेरे, जिब्राइल तेरे लिए, मीकाइल तेरे लिए, इसराफील तेरे लिए, इज़राइल तेरे लिए, सब तेरे लिए पैदा किया मैं। खलकतुल अशिया कुल्लहा लक, वो आगे का जुमला सुनेंगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वह खलकतु का ली, और तुझे मैं मेरे लिए पैदा किया, तुझे तेरे बाप के लिए नहीं,
तुझे तेरी माँ के लिए नहीं, तुझे तेरी बीवी के लिए नहीं, तुझे तेरे बच्चों के लिए नहीं, तुझे तेरी दुकान के लिए नहीं, तुझे सियासत के लिए नहीं, तुझे हुकूमत के लिए नहीं, एक दुनिया का एक छोटा सा निज़ाम है। हकीकत में मैं तुझे पैदा जो किया वो मेरे लिए पैदा किया, इस मकसद को तू सामने रख, मेरा वली बन जाएगा। इस मकसद को अगर तू सामने मैं नहीं रखेगा तो इंसान रहकर भी शैतान बन जाएगा। इस मकसद को सामने रख, तुझे तेरे बाप के लिए नहीं, मोहब्बत कर, खिदमत कर, लेकिन जहन में ये बात रख, तू तेरे बाप के लिए पैदा नहीं हुआ है। माँ से मोहब्बत कर, माँ की खिदमत कर, ये भी मेरी इबादत है, लेकिन इस बात को जहन में रख के तू उसके लिए नहीं मेरे लिए पैदा हुआ है। बीवी से मोहब्बत कर, हक अदा कर, खला पिला पहना, लेकिन इस बात को जहन में रख के तू तेरी बीवी और जोरू के लिए नहीं मेरे लिए पैदा हुआ है। शोहर की खिदमत कर, हक अदा कर, मोहब्बत कर, उसकी मोहब्बत में खयानत न कर, बेवफाई न कर, न सता, न रुला, न तकलीफ दे, न धमकी दे, लेकिन इस बात को मेरी बंदी तू अपने जहन में रख कि तू तेरे शौहर के लिए पैदा नहीं हुई, तू मेरे लिए पैदा हुई है। मैं तुझे मेरी इबादत के लिए पैदा किया हूँ। खलकतुल अशिया कुल्लहा लक, मैंने पूरी कायनात तेरे लिए पैदा की है और तुझे मैं मेरे लिए पैदा किया हूँ। मेरे शेख खुजब आलम हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुम फरमाते हैं, ये हदीस अगर इंसान के दिल में उतर जाए, ये हदीस इंसान के जहन में उतर जाए, ये हदीस इंसान समझ ले, तो फिर उसके वली बनने में कोई चीज रोक नहीं सकती, इबादत गुजार बनने में कोई चीज रुकावट नहीं। आज हम समझे हैं ना, आज हम समझे हैं, असल मकसद को छोड़ें, पैगाम खुदावंदी को जोड़ें। हम समझे हैं खाने के लिए पैदा हुए, हम समझे हैं पीने के लिए पैदा हुए, हम समझे हैं कमाने के लिए पैदा हुए, हम समझे हैं ऐश करने के लिए पैदा हुए, हम समझे हैं लहो लाइब में मुब्तला होने के लिए पैदा हुए, हम समझे हैं इसके लिए पैदा हुए, उसके लिए पैदा हुए, उसके लिए पैदा हुए। नहीं मेरे भाई, इस बात को जहन में रख लो, हम किसी के लिए और किसी के लिए पैदा नहीं हुए, हम सिर्फ अल्लाह के लिए पैदा किए हैं। अल्लाह अपनी इबादत के लिए हमको पैदा किया है। सुनो तीसरी रिवायत के दुनिया की हैसियत क्या है, दुनिया को क्यों पैदा किया, दुनिया को पैदा करने की वजह क्या है। औलियाउल्लाह ने एक अजीब और गरीब और बेहतरीन नुक्ता नतीजा निकाला है, वो नतीजा समझो, दुनिया की हैसियत समझ में आ जाएगी। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में पैदा किया, दुनिया की तीसरी हैसियत बता रहा हूँ। 30 है 300 है 300 3000 है, मैं आपके सामने 3 बोल रहा हूँ, उससे आगे मुझे बढ़ना है। याद रखना मेरे दोस्तों, अल्लाह से दुआ करते रहो, अय अल्लाह आज मौलाना दुनिया की हकीकत जो बता रहे हैं वो मेरे दिल में उतार दे, मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल दे, तेरी मोहब्बत दाखिल कर दे, तेरे हबीब की मोहब्बत दाखिल कर दे, आखिरत की फिक्र दाखिल कर दे, जन्नत की तड़प पैदा कर दे। दोस्तों जब तक ये चीजें नहीं आएंगी हम कामयाब नहीं होंगे। मैं क्यों बता रहा हूं, मुझे 5-6 मिनट टाइम दे। ये तीसरी रिवायत, तीसरा नुक्ता, तीसरा नतीजा, तीसरी हकीकत बयान करने के बाद मैं बताऊंगा आपको कि मैंने इस उन्वान का इंतखाब क्यों किया। अल्लाह ने हजरत आदम को कहाँ पैदा किया, बोलिए, जन्नत में पैदा। जरा मुंह खोलकर बोलो, अब किस बात की टेंशन है आपको, हमें जिसको चाहते थे वही तो सीएम बना है।
अब वाह 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 वाह, बोलिया तो बोलिया, बोलते ही नहीं बोले बगैर रन्न होता नहीं मंजे, बोलिया तो बोलिया, बोलते ही नहीं बोलिया तो रन्न बगैर होता नहीं मुझे, क्या खुशी। हमारे बाबा की शादी में हमें उतने खुश नहीं थे, कई को नहीं थे, कहते उस वक्त हमें नहीं थे। अफसोस है मुसलमानों, अफसोस है, इतनी अहमियत हम किसी और चीज को देते तो हमारा आज मकाम ही कुछ और होता। कहीं मेरे उनवान का रुख न बदल जाए, क्योंकि छोड़ कर जाने की मेरे पास आदत नहीं है, इसलिए मैं बड़ी एहतियात के साथ जमते जमाते गुजर रहा हूं। अल्लाह ने हजरत आदम को कहां पैदा किया? जन्नत में पैदा किया। जन्नत में पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हव्वा से कहा कि पूरी जन्नत तुम्हारी है, पूरी जन्नत, सातों दरजात, आठों दरजात, हजारों दरजात, सब तुम्हारी है आदम, तुम्हारी है। जब जहां जाना चाहे तुम जा सकते हो, जब तुम जो खाना चाहे खा सकते हो, पूरी जन्नत की मलाइका को मैंने तुम्हारा खादिम और गुलाम बना दिया, ऐ आदम जन्नत तुम्हारी है। लेकिन एक बात है आदम, कि इस जन्नत में तुम जो चाहे खाओ, लेकिन ये जो दरख्त है ना, ये जो दरख्त, इसे खाना तो दूर की बात, इसका फल खाना तो दूर की बात, ऐ आदम ऐ हव्वा तुम इसके करीब भी न जाओ। अल्लाह का फरमान हुक्म अंदाज देखिए, वला ताकुला हाजी शजरा, इस दरख्त का फल ना खाओ। अल्लाह ने ये नहीं कहा वला तकरबा हाजी शजरा, इस दरख्त के करीब भी ना जाओ। समझ में आई बात? अब वो दरख्त गेहूं का था या अंगूर का था या अनार का था, कुछ भी था, मुफस्सरीन का इख्तलाफ है, मशहूर है कि गेहूं का दाना था, अपनी जगह पर वो, उसकी तहकीक अपनी जगह पर है। अल्लाह ये नहीं कहा कि ये फल ना खाओ, ये फल ना खाओ, दूसरे जन्नत के तमाम फल खाओ, लेकिन आदम ये फल न खाओ, ये नहीं कहा अल्लाह ने, बल्कि अल्लाह ने कहा इस ये फल जिस दरख्त में लगता है, इस दरख्त के करीब भी न जाओ। क्योंकि खुरबत भी एक दावत है, खुरबत भी एक ख्वाहिश है। करीब से अगर जाओगे देखना पड़ेगा, देखोगे तो चाहत और इच्छा पैदा होगी, जब चाहत पैदा होगी तो फिर आपका मन चाहेगा, आजमा कर तो देख ले। वला तकरबा हाजी शजरा,
इस दरख्त के करीब भी मत जाओ। कई जगह पर कुरान पाक ने इस वाकये को अजीब व गरीब अंदाज से बदल बदल कर बयान किया है और अल्लाह तबारक व ताला का एक ही हुक्म कई जगह पर आता है तो कई अहकामात पैदा होने के असबाब हैं। लेकिन सुने हैं आप कि शैतान वरगलाया बहकाया फवसवस लहुम अश्शैतान, शैतान ने वसवसा डाल दिया, फुला किया फुला किया, आदम और हव्वा वो खल फल खा लिए, भूल हो गई, गफलत का पर्दा पड़ गया, भूल हो गई, भूल। वो आसा आदम रब्बहू फगवा, आदम अपने रब के हुक्म को भूल गए। खा लिए वो फल, अब खाना था। दो हालतें पैदा हो गई हजरत आदम और हव्वा पर, ये कपड़े वही उतर गए, दूसरा पेट में गड़बड़ शुरू हो गई। क्या हो गई? पेट में गड़बड़ शुरू हो गई। गड़बड़ का तो समझ में आता, वलीमे के रात की सुबह जो होता पेट में वो, दूसरों की दावत खाने के बाद पेट में जो कैफियत होती वो गड़बड़। अब ऐसी गड़बड़ पैदा हुई कि इस्तंजा की जरूरत पेश आई दोनों को। इस्तंजा बोले तो समझ में आता, बैतुल खला की जरूरत पेश आई दोनों को, अम्मा को अब्बा को। और जन्नत में सब कुछ है लेकिन बैतुल खला नहीं है, अब भी नहीं है, आइंदा भी नहीं। हमें भी जब जन्नत को जाएंगे खाएंगे तो जरूर, लेकिन बैतुल खला नहीं है वहां पर। फिर कैसा हजरत हजम कैसा होना, जब सब मिलता वहां तो हाजमुला भी मिलता। पहले से भी जन्नत में बैतुल खला नहीं, वॉशरूम नहीं, आईना भी नहीं, अब तो इंसान नहीं है वहां पर। तैयार हो रही है, तैयार हो रही है। इंसानों के आमाल जैसे जैसे होंगे जन्नत वैसी वैसी सजाई जा रही है। बाद में इंशाअल्लाह ताला हम लोग जब जाएंगे इंशाअल्लाह, तो हमारे जाने के बाद तो बैतुल खला की जरूरत पेश आएगी ना, लेकिन तब भी बैतुल खला नहीं रहेगा। फिर बैतुल खला को जाना का जाना तो नहीं, हदीस में आता है आदमी खाएगा खाएगा खाएगा, खाने के बाद एक डकार आएगी। डकार मालूम? वो डकार नहीं जो लोगों का माल खा को आती। पहले तो भी हमारे अब्बा बोलते थे डकार दे डालिया, पब्लिक बोलती थी किसका तभी माल खा लिया तो डकार दे डालिया बोल को। अब हाल ये है, इतना कुव्वत हाजमा है लोगों के पास, माल तो खाते लेकिन डकार भी नहीं आती। पहले बोलते थे ना डकार दे डालिया साहब, इन्हें 2 लाख रुपए डकार दे डालिया, 5 लाख रुपए डकार दे डालिया। पहले बोलते थे नहीं बोलते थे, अब डकार भी नहीं आ रही, वैसा खा रहा है उन्हें। जन्नत में खाने के बाद एक डकार आएगी। अब हमें खाने के बाद जब डकार आती है खट्टी बू, मां माहौल खराब हो जाता। लेकिन जन्नत में खाने के बाद जब डकार आएगी वो डकार में भी मुश्क की बू,
वो डकार जैसे ही निकलेगी, जितना खाए पूरा हजम। माशाल्लाह अकरम बहुत खुश हो रहे हैं। खाने के बाद जब डकार आएगी, मुश्क की खुशबू खत्म। लेकिन हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिमस्सलाम, हमारे अब्बा हुजूर, हमारी अम्मी हुजूर, दोनों उस फल को खाने के बाद इस्तंजा की जरूरत जब पेश आई, जन्नत में इस्तंजा खाना नहीं, बाथरूम नहीं, बैतुल खला नहीं, पेट में गड़बड़। पहला वाकिया वो हादिसा, बाज जगह पर तो लिखा है दर्द भी पैदा हुआ पेट में। अब वो परेशान हो गए, अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा की जरूरत पूरा करने, इस्तंजा करने के लिए दुनिया में भेजा। औलिया व सूफिया फरमाते हैं जन्नत के मुकाबले में दुनिया की हैसियत बैतुल खला की है। आखिरत के मुकाबले में दुनिया की हैसियत बैतुल खला की है, जिस बैतुल खला के लिए हम रात दिन ये कर रहे हैं, जिस बैतुल खला को हमने हमारी दुनिया और आखिरत समझ बैठा है, जिस बैतुल खला को हमने अपना सरमाया समझ बैठा है, जिस बैतुल खला को हमने हमारी दायमी जिंदगी का घर समझ बैठा है, वो दुनिया है जिसके बारे में नतीजा औलियाउल्लाह ने निकाला, आदम और हव्वा अलैहिमस्सलाम उस फल को खाने के बाद जब पेट में दर्द पैदा हुआ, इस्तंजा की जरूरत पेश आई, जरूरत पूरी करना था, अल्लाह ताला ने जन्नत से आदम और हव्वा अलैहिमस्सलाम को जमीन में उतारा और कहा आदम जन्नत पाक है, यहाँ की जमीन पाक है, यहाँ के महल्लात पाक है, यहाँ के कमरे पाक है, यहाँ के हाल पाक है, यहाँ के बेडरूम पाक है, ये दुनिया नहीं है, ये जन्नत है, पाकीजा जगह है, आप दुनिया में जाओ, जरूरत पूरी करो, फिर जब तुम्हारे वापस बुलाने का वक्त आएगा, हम बुलाएंगे तो तब वहां पर आ जाना। नतीजा क्या निकला कि दुनिया जन्नत के मुकाबले में एक बैतुल खला है, बैतुल खला। आहा, ये सब बातें सिर्फ बयान की नहीं मेरे दोस्तों, अपने अंदर उतारने की बातें हैं, अपने अंदर उतारने की बातें। जिनको दुनिया समझ में आ गई ना, कसम अल्लाह की, वो दुनिया के अंदर तो थे लेकिन दुनिया से दिल नहीं लगाया। उन्होंने चाहते तो बड़ी से बड़ी दुनिया बना सकते थे, अच्छी से अच्छी दुनिया बना सकते थे, बेहतरीन दुनिया बना सकते थे, लेकिन वो समझ गए कितना बनाए तो भी छोड़ कर ही जाना, कितना बनाए तो भी दुनिया की हैसियत एक मच्छर के पर से ज्यादा नहीं, कितना बनाए तो भी दुनिया की हैसियत सड़ी और मरी हुई बकरी से भी ज्यादा नहीं है, कितना बनाए तो भी दुनिया की हैसियत जन्नत के मुकाबले में एक बैतुल खला से भी कुछ नहीं। बड़े बड़े ओहदे थे हमारे बड़ों के पास, बड़ी बड़ी जागीरें थी हमारे बड़ों के पास, बड़ी ताकतें थी हमारे बड़ों के पास, लेकिन उन्होंने दुनिया को अपने दिल में लाना नहीं चाहा, दुनिया को बसाना नहीं चाहा। वो दुनिया कमाना चाहे तो कमा सकते थे, बावजूद इसके कि वो दुनिया के अंदर गरीब से गरीब बनकर जिंदगी गुजार कर दुनिया से चले गए। रब्बे काबा की कसम, इसीलिए वो जाकर हजारों साल सवो साल हो गए, आज उनकी जिंदगियां जिंदी हैं। सहाबा ने इस हकीकत को समझा, ताबीन ने इस हकीकत को समझा, तबे ताबीन ने इस हकीकत को समझा, औलियाउल्लाह ने इस हकीकत को समझा, दुनिया से बिल्कुल किनारा कस रहे नहीं, जितना मुझे खाने की ज़रूरत है वोच मेरी दुनिया, जितना मेरे पहनने की ज़रूरत है वोच मेरी दुनिया, जितना मुझे तीन चार घंटे रात गुजारने की ज़रूरत है वही मेरी दुनिया। और ये गरीब नहीं थे, सादे सीधे लोग नहीं थे, ये चाहते तो
बहुत दुनिया कमा सकते थे, ऐसे सहूलतें इनके पास थी। एक वाकिया सुनो, हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह हुजूर के सहाबा में से एक सहाबी, नाम क्या? अबू उबैदा इब्नुल जर्राह। ये वो सहाबी हैं जिनको दुनिया ही में जन्नत की बशारत मिली, जिनको अशराए मुबशरा कहते हैं। कुल सहाबा 144,000, वो 144,000 में 313 की फजीलत ज्यादा, 313 में 10 सहाबा की फजीलत ज्यादा, 10 सहाबा में 4 सहाबा की फजीलत ज्यादा, 4 सहाबा में अबू बकर की फजीलत ज्यादा। पूरे सहाबा पूरी उम्मत से ज्यादा फजीलत वाले, दुनिया के तमाम ताबीन, दुनिया के तमाम तबे ताबीन, दुनिया के तमाम आइम्मा, दुनिया के तमाम मुफस्सिरीन, दुनिया के तमाम मुहद्दिसीन, दुनिया के तमाम गौस, दुनिया के तमाम अखदाब, दुनिया के तमाम अब्दाल, दुनिया के तमाम उलमा, दुनिया के तमाम हुफाज, दुनिया के तमाम औलिया, सब मिल जाए एक सहाबी की फजीलत नहीं पा सकते। और ऐसे सहाबा कितने थे? 144,000 थे। 144,000 में कुछ एक स्पेशल जमात थी, वो जमात की तादाद कितनी? 313 असहाबे बदर, इनकी फजीलत तमाम सहाबा में ज्यादा। असहाबे बदर में अशराए मुबशरा 10 सहाबा की फजीलत बहुत ज्यादा, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस 10 सहाबा को अल्लाह के फरमान पर दुनिया में जीते जी ये बशारत दे दी, ऐ सहाबा तुम जो चाहे करो, अब तुमको फुल ऑर्डर है। अल्लाह ने कह दिया कि अब तुम जन्नती हो, जन्नती। ये बशारत हम ना मिल गई, मस्जिद को आगे ना पढ़ने को चल जाएंगे, नमाज बोलकर भी जाएंगे नहीं, अब भी चुटको भाग जाएंगे। हमें जन्नती कहते हैं भाई, हमने नमाज पढ़ने की क्या जरूरत? हमें जन्नती कहते, हमने रोज़ा रखने की क्या ज़रूरत? हमें जन्नती कहते, हमने कुरान पढ़ने की ज़रूरत क्या है? हमें जन्नती कहते, हमने एहतियात करने की क्या ज़रूरत है? अल्लाहु अकबर, ये ताकत सहाबा की थी, ये मिजाज सहाबा का था, ये फितरत सहाबा की थी, ये मोहब्बत और इबादत का शौक़ सहाबा का था, उनको फजीलतें मिलती थी, फिर भी वो इबादत नहीं छोड़ते थे। हज़रत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह अशराए मुबशरा में से, हज़रत उमर फारूक के दौर में मुल्क के शाम के आप गवर्नर थे। सुनो सुनो, दुनिया की हकीकत बताने के बाद मेरा मकसद मैं बताना चाहता हूँ आपके सामने, तवज्जो से सुनो। किस बात की खुशियां? इतना खुश हो रहे हैं, हुकूमत बदल गई, हुकूमत बदल गई, सीएम बदल गया। याद रखो मुसलमानों, मैं ये नहीं कहता कि ये खुशी नहीं है, खुशी है, लेकिन इतनी ज्यादा खुशी मनाने की कोई जरूरत नहीं। अहले ईमान है हम, अहले कुरान है हम, अहले हदीस है हम, अहले सुन्नत है हम। हमको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, खुदा के फरमान को समझना चाहिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं, कुरान और हदीस क्या कहती है? पागल न बनो कर्नाटक के मुसलमानों, पागल न बनो। क्या सरकार बदली? पूरी उम्मीदें खुदा से कटकर नई हुकूमत से लगा रहे हैं। क्या सरकार बदली? यूं मालूम हो रहा है
कि अब ये हुकूमत हमको जन्नत का फैसला भी करने वाली है। पागल है, अहमक है। एक छोटा सा तसव्वुर, खुदा की रहमत से दूर हो जाओगे। एक छोटा सा ख्याल, जहन्नमी बन जाओगे। इतनी खुशियां, अब यूं मालूम हो रहा है कि क्या नई सरकार बनी, इमाम मेहदी आ गए, ईसा अलैहिस्सलाम आ गए। इत्मीनान का इतना यकीन पैदा हो गया, अब कुछ होने वाला नहीं है। ये वही लोग सोच सकते हैं जिनकी जिंदगियां कुरान से इतनी दूर है जितना आसमान से जमीन दूर है। अल्लाह के अलावा भरोसा दूसरों को, दूसरों पर जो होता है, और लोग गैर होते हैं। हमारा भरोसा अल्लाह पर है, अल्लाह पर। मैंने दरमियान में कभी किसी मौके पर एक जुमला कहा था, आज पूरे कर्नाटक के मुसलमानों को, आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को वो जुमला दोहराना चाहता हूँ कि कान खोल कर सुनो। एक तसल्ली है नई सरकार का बदल जाना, एक तसल्ली है दुश्मन का वापस चले जाना, लेकिन यह जुमला कर्नाटक के मुसलमानों कान खोल कर सुनो कि हुकूमत और हाकिम के बदलने से हालात नहीं बदलते, हमारे बदलने से हालात बदलते हैं। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, तुम्हारे हालात उस वक्त बदलेंगे जब तुम्हारा हाकिम बदलेगा। ये कहा अल्लाह ने, तुम्हारे हालात उस वक्त बदलेंगे जब तुम्हारी हुकूमत बदलेगी। अल्लाह ने ये कहा, नबी ने ये कहा, अल्लाह ने क्या कहा, मेरे बंदों जब तुम बदलोगे तुम्हारे हालात मैं बदलूंगा। क्या खुशियां मना रहे हैं। मेरे नजदीक तो हुकूमतों पर हद से ज्यादा भरोसा करना और हालात के बदलने का इंतजार करना और अल्लाह पर भरोसा न करना और उसकी अता पर भरोसा न करना और इस किस्म की खुशी भी मेरी अपनी छोटी सी तालिबे इल्माना तहकीक को पेश कर रहा हूं, ये भी शिर्क में दाखिल है। अब यूं मालूम आ रहा, अरे कैसे कैसे दुश्मनों के साए में अल्लाह ने हमको बचाया, अब इतनी खुशियां आई है साहब, बदली है हुकूमत, खुदा भला करे। लेकिन इतना भरोसा भी न करो कि अब जो भी होगा हुकूमत से होगा, अल्लाह से नहीं होगा। 7 साल का अरसा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्लाह का शुक्र अदा करो, 7 साल से यह हुकूमत सेंट्रल में बैठी है। अल्लाह का करम है कि मुल्क से न इस्लाम मिटा न मुसलमान मिटे। एक दो मस्जिदों की बात आती है तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक दो मदरसे की बात आती है इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक दो शरीयत के मसले पर हमले आते हैं इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। 100 किलो का चावल का मूटा लोगे तो 10-15 कंकर आ ही जाएंगे। जब अल्लाह ताला ऐसे जालिमों के साए में इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत किया है, क्या उससे उठकर और उससे जुड़ोड़ कर हम नई हुकूमत पर इतना भरोसा अब क्या भी नहीं
गई हज़रत, इंशाअल्लाह ताला बहुत सुकून से रहेंगे हज़रत हमें, क्योंकि हमारा आदमी आगा, हमारी पार्टी आगी। अल्लाह अकबर। मज़ीद मुझे कुछ कहने पर मजबूर न करो, इधर वालों से भी हमने नुकसान उठाया है अल्लाह को छोड़कर, इधर वालों से भी हमने नुकसान उठाया है अल्लाह को छोड़कर। फ़र्क ये है कि इधर वालों को दुश्मन समझ कर नुकसान उठाया है, इधर वालों को दोस्त समझ कर नुकसान उठाया है। इधर सा क्या कहते हैं, चाकू सेब पर गिरे तब भी सेब ही का नुकसान है, सेब चाकू पर गिरे तब भी सेब ही का नुकसान है। ये हुकूमत आई तब भी खसारा मुसलमानों का ही हुआ, ये हुकूमत आती है तो तब भी खसारा। अल्लाह से दिल लगाओ, अल्लाह से। दुश्मन हारा है, दुश्मन खत्म नहीं हुआ, दुश्मन हारा है। और दुनिया में हार जीत भी है, हमें हकीकी खुशी उस वक्त होगी जब दुश्मन खत्म होगा। अकल ही नहीं, सरों का एक्सरे लगाओ। क्या कहते हैं यमार, कहते हैं क्या कहते हैं, एमआरआई कराओ। सरों में भेजा है या मिट्टी का ढेला है? कौन है भी, जरा बड़े लोग ऊपर जरा देखो, दुश्मन हारा है, दुश्मन खत्म नहीं हुआ। इस बात को जहन में रखो, हमारी खुशी उस वक्त होगी जब दुश्मन हमारा हो या मुल्क का हो या इंसानियत का हो, वो दुश्मन जब खत्म होगा तब हमारे लिए खुशी है। दुश्मन दुनिया में हार भी है जीत भी है, कभी इनू कभी मैं, कभी इधर वाले कभी इधर वाले, इतनी खुशियां। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह भी सोचता होगा दुश्मनों के साए में इनकी हिफाजत किया, ये इतना खुश नहीं हुए। जब हुकूमत बदलती है तो इतना खुश होते हैं, अल्लाह भी क्या देखते होंगे। सुनो मेरे प्यारों, हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह मुल्क शाम के गवर्नर थे। कहां के? मुल्क शाम के गवर्नर। हजरत उमर ने उनको मुल्क शाम का गवर्नर बनाया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा मुल्क शाम को गए, देखकर आए हालात क्या है, हमारा गवर्नर काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखने के लिए गए। अचानक बोल कर भी नहीं गए, अपने गुलाम को मैसरा को साथ लेकर तन्हा निकल गए। दुनिया समझने वाले, अचानक जब मुल्क शाम गए, दमिश्क पहुंचे, बाजार से गुजर रहे हैं, देखते क्या है, सबके चेहरों में नूर ही नूर है। एक दूसरे आपस में सलाम और मुसाफा कर रहे हैं। एक दुकान पहुंचे पहले, वहां पर चीजों को देखा, दुकान के माल को देखा, माल बड़ा पाक और साफ है।
इम्तिहान के तौर पर एक दो किलो चीज़ उसको ख़रीदा, तोल भी बराबर है, गवर्नर का इम्तिहान। लोग बोल रही आ गई हजरत, अब बिजनेस खुल जाता। हुकूमत बदली है, मजहब नहीं बदला। हमारा मजहब हुकूमत का पाबंद नहीं, हमारा मजहब शरीयत का पाबंद है। कौन सी भी हुकूमत आ जाए, हमारा मजहब हमको धोखा देने से मना करता है, हमारा मजहब झूठ बोलने से मना करता है, हमारा मजहब चुराने से मना करता है, हमारा मजहब लूटने से मना करता है। हुकूमत अब जो है या पहले जो है, आइंदा जो होगी, बहरहाल जो भी होगी, हमको हमारा मजहब कहता है कि तुम हर एक के साए में वैसे ही जिंदगी गुजारो जैसे सहाबा के दौर में आम लोग जिंदगी गुजारते थे। मटेरियल 2 किलो खरीदे, अनाज चावल की, गेहूं की, क्या की, दाल की, ज्यादत दाल को दे रहा है उन्हें, ज्यादत दाल को दे रहा है। हजरत उमर सोचे अल्लाहु अकबर, गवर्नर सही है। लोग नहीं पहचान रहे हैं, खाली दो आदमियां, आधी दुनिया का बादशाह एक घोड़े में, गुलाम एक घोड़े में बैठकर जा रहे हैं। सादा सीधा अंदाज, कोई सामने दरबान और गुलाम नहीं, पीछे दरबान और गुलाम नहीं, नारे नहीं, कुछ नहीं। पहचानना भी मुश्किल। मदीने से लेकर दिमश्क का सफर, रास्ता मुसाफिराना, गिरदो गुबार, पहचाने नहीं जा रहे उमर। यहां कौन की एक चुड्डा, क्या की गिर, कोसा की एक ओहदा लेकर आया तो उसके सामने चार पांच, पीछे सामने चार पांच, इधर चार पांच, उधर चार पांच, उसके बाद नारे क्या, देखो देखो कौन आया, शेर आया। अम्मा इंद मूंजी की, तंजावुर की मंजा, शेर रे। जोरू नहीं डर रही है इससे, शेर रे। बच्चे नहीं डर रही, शेर। कौन भी बदलें दो मेरे दोस्तों, जब तक हमारे अंदर इनकलाब नहीं आएगा, आसमान से मदद नहीं उतरेगी। ये लिख कर रख लो, लिख कर रख लो, लिख कर रख लो, कागज में नहीं पत्थर में तराश कर रख लो। बोलने के लिए बहुत कुछ है, मैं एक तरफा सियासी आदमी भी हूं। कश्ती समंदर में रहती है, कश्ती समंदर नहीं। कश्ती समंदर में रहती है, कश्ती समंदर नहीं। मैं सियासत में रहता हूं, सियासी रहबर नहीं। मंजित पूछ रहा है कौन की फोन कर को, तुम्हारी कौन सी पार्टी हजरत? मैं बोला पक्का बीजेपी, क्या कर लेता। नहीं हजरत, तुम्हारा बयाना सुना तो समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी कौन सी पार्टी बोल को। तू कई को मेरे बच्चे इतना पड़ा है, मेरे बयाना सुन को इसे समझ में नहीं आ रहा है, कहते मैं कौन सी पार्टी का बोल को।
मेरे पीछे कीबा पड़ा है, अल्लाह अकबर कबीरा। रास्ते में हजरत उमर को सलाम, हजरत उमर आवाम को सलाम, किसी से पूछते हैं भाई तुम्हारे गवर्नर कौन है? गवर्नर, गवर्नर वो जमाने में जो गवर्नर थे पावरफुल गवर्नर, आपके सगा नहीं खाली कुर्सी के, गवर्नर का तो पावर। भाई तुम्हारे गवर्नर का ही मस्जिद में ही मिल जाएंगे मस्जिद में। फिर किसी से पूछा आपका गवर्नर कैसा है? एक जुमला में पढ़ा तो पढ़ता ही रह गया, 10 मरतबा पढ़ा मांगू तो। जब किसी को सवाल करते हजरत उमर कि आपका गवर्नर कैसा है, तो रियाया में से एक आदमी कहता है उसको बनाने वाला जब उमर है तो वो कैसा होगा? जिसे बोल रहा है उसे मालूम नहीं उमर यही है, जिसको बनाने वाला उमर है तो वो कैसा होगा? किसी चोर को उमर गवर्नर बनाएंगे, किसी लुटेरे को उमर गवर्नर बनाएंगे, किसी को ओहदा पैसा लेकर देंगे, किसी की सिफारिश पर उमर गवर्नर बनाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब उमर की शहादत हो गई, छुरा जिस्म पर लग गया, जख्मी होकर मुसल्ले पर गिर गए, मरहम पट्टी हो रही है, उमर फारूक को जिंदगी के कुछ घंटे मिले हैं, मशवरा हो रहा है, हजरत उमर को मशवरा दिया जा रहा है, अमीरुल मोमिनीन आप एक काम करो, अपने बेटे अब्दुल्ला की खिलाफत का ऐलान कर दो। अपने बेटे अब्दुल्ला की खिलाफत का ऐलान कर दो। आज आज अल्लाह क्या बोलूं मेरे दोस्तों, क्या बोलूं, क्या बोलूं? जिनकी उम्र इतनी छोटी के पेशाब सही तौर पर कर पानी लेना नहीं आता, ऐसे लोगों को भी इलाके संभालने के ओहदे दिए जा रहे हैं। हजरत उमर को मशवरा दिया जा रहा है, बिस्तरे शहादत पर पड़े हैं, दर्द से कर्राह रहे हैं और पूरे सहाबा घेरे हुए हैं। किसी ने मशवरा दिया कि अमीरुल मोमिनीन आपके बेटे ज़बरदस्त आलिम हैं, कुरान के मुफस्सिर हैं, हदीस के मुहद्दिस हैं, ज़बरदस्त तक़वा है, मुहय्यस सुन्ना है, ख़दम ख़दम पर नबी की सुन्नतों पर अमल करते हैं, आपके बेटे का अदब तो बड़े बड़े सहाबा किराम करते हैं, आप लिख दीजिए इख्तलाफ नहीं होगा, आपके जुमले पर एतराज़ नहीं होगा, आपके फैसले पर एतराज़ नहीं होगा, अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की खिलाफत का ऐलान कर दीजिए। हजरत उमर ने उस मशवरा देने वाले सहाबी को डांट कर कहा उठ जाओ यहां से, गलत मशवरा देते हो, मेरी चापलूसी करते हो। हालांकि चापलूसी नहीं थी, मुहियुस सुन्ना था, अल्लाह का बंदा, लेकिन हजरत उमर कहते उठ जाओ, अब्दुल्ला को तुम ज्यादा जानते हो कि मैं ज्यादा जानता हूं, माना कि अब्दुल्ला के पास इल्म है, माना कि अब्दुल्ला उमर का बेटा है, माना कि अब्दुल्ला के पास अमल है, माना कि अब्दुल्ला के पास तकवा व तहारत है, लेकिन उसकी एक आदत मुझे पसंद नहीं आती। किसी ने पूछा क्या आदत है अमीरुल मोमिनीन? हजरत उमर ने कहा वो शादियां करते हैं, जरा बीवी का कोई काम पसंद नहीं आता, वो कसरत से तलाक दे देते हैं, तो मैं ऐसे आदमी को अमीर बनाऊं उम्मत का जो बीवी को संभाल ना सके, वो मुल्क को क्या खाक संभालेगा। Oh,
यहाँ मेरा वाकिया और एक तरफ भी इशारा कर रहा है, समझे तो समझो नहीं तो छोड़ो। जब बीवी को संभाल ले सके वो मुल्क क्या संभालेगा, मिल्लत क्या संभालेगा, उम्मत क्या संभालेगा। चुप, लाओ कलम, उठाओ कागज, इन हजरात का नाम लिखो, उस्मान का नाम लिखो, अली का नाम लिखो, अब्दुल रहमान बिन औफ का नाम लिखो, फुला का नाम लिखो। मुझे सोचने का भी अब मौका नहीं है, मेरी शहादत और मौत के बाद मशवरा करके किसी को अमीर बना देना, किसी को बड़ा बना देना। हजरत उमर किसी को बड़ा बनाते तो ऐसे वैसे आदमी को बड़ा नहीं बनाते थे। इसीलिए जब बाजार शाम में, बाजार दिमश्क में हजरत उमर ने किसी से पूछा अबू उबैदा कहाँ मिलेंगे, मस्जिद में मिलेंगे। आम मुलाकात होती है, आम मुलाकात होती है, अमीरों से ही मुलाकात होती है कि गरीबों से। अरे गरीब भी तो गरीब, बच्चा भी कई मुलाकात करता है। अच्छा खिदमत क्या करते हैं, अरे वो तो इतने सादे सीधे हैं, इतने सादे सीधे हैं कि इतने बड़े मुल्क के शाम का गवर्नर होकर रास्ते में अगर कोई अपने अनाज की थैली उठाने के लिए कहता है, वो उठाकर सर पे ऐसे रख लेता है गोया के वो उस आदमी का मजदूर और गुलाम है। कैसा है, कैसा है। एक आदमी ने जवाब दिया, अरे रे 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 अजनबी, उमर को कहता है अजनबी तुम हमारे गवर्नर के बारे में पूछते हो कैसा है, जवाब सुनो, उसका बनाने वाला कोई और नहीं उमर है। क्या उमर ऐसे वैसे आदमी को मुल्क का गवर्नर बनाएंगे। हजरत उमर तो बड़ी तहकीक वाले अल्लाह के बंदे थे, देखा कि आदमी के अंदर दो बातें होती है, एक ज़ाहिरी एक बातिन। हो सकता है कि अबू उबैदा लोगों के सामने जाहिर कुछ कर रहे हैं, अंदर कुछ होगा। जाहिर कुछ और अंदर कुछ होगा, और तहकीक करना है। तो चुनाचे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और तहकीक करके हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह तक पहुंचने के बाद क्या देखते हैं, इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा आपकी खिदमत में रखूँगा। बहुत सारी बातें थी और भी हैं इंशाअल्लाह ताला, लेकिन एक बात ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, जो भी करता है वो अल्लाह करता है, और आइंदा जो भी होगा वो अल्लाह की तरफ से होगा। इतना ज़्यादा न कहो कि अल्लाह नाराज़ हो जाए कि खिलाने वाला मैं हूँ, पिलाने वाला मैं हूँ, पहनाने वाला मैं हूँ, हिफाजत करने वाला मैं हूँ, सब कुछ करने वाला मैं हूँ, लेकिन ये बंदा मेरे से हटकर हुकूमतों से जुड़ना चाहता है। हुकूमत सलामत अपनी जगह पर, दुआ करो कि अल्लाह सही काम करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन जो होगा वो किससे होगा, अल्लाह से होगा। और हालात जब बदलेंगे तो वह हुकूमत और हाकिम के बदलने से हालात नहीं बदलेंगे, हमारे अपने आमाल के बदलने से हालात बदलेंगे। इस बात को जहन में रखो। आखिर में आपकी खिदमत में एक ऐलान है कि मस्जिद के इस तरफ का काम शुरू हो चुका है, बैतुल कला और हौज खाने का। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि कोई खाली हाथ न जाए, ज़्यादा से ज़्यादा चंदा इनायत फरमाए। अल्लाह ताला आपके देने दिला